गुड इवनिंग दोस्तों, आइए पेट का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो पुरस्कार से संबंधित है स्टैटिक जीके में दिया हुआ है, तो पहले आइए उसको निपटा देते हैं, पूरा एक ही वीडियो में कंप्लीट कर देते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं आपके यहाँ पे कौन कौन से सम्मान दिए जाते हैं। तो सबसे पहला हम बात करते हैं नागरिक सम्मान की। नागरिक सम्मान की बात कर लेते हैं तो सबसे पहला जो नागरिक सम्मान है ये इसमें सबसे बड़ा कौन सा है, तो ये भारत रत्न सबसे बड़ा है, भारत रत्न ये सबसे बड़ा है। दूसरे नंबर पे आता है पद्म विभूषण, इसकी चर्चा आपको हम करंट अफेयर के वीडियो में डिटेल में कर चुके हैं। तीसरे नंबर पे आता है पद्म भूषण, इनकी भी चर्चा हम डीप में कर चुके हैं, भारत रत्न आज अभी निपटा देते हैं इसको भी। और तीसरा है पद्म, चौथा है पद्मश्री। तो ये क्रम से है, पहले भारत रत्न है, फिर पद्म विभूषण है, पद्म भूषण है, और फिर क्या है पद्मश्री है। हम स्टैटिक जीके पे आपका ना फोकस रखेंगे। अगर आपसे पूछें खेल के मामले में सबसे बड़ा पुरस्कार कौन सा है, तो याद रखिएगा सबसे बड़ा पुरस्कार है राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार। लेकिन इसका नाम अभी बदला गया है, अब नाम नया नाम हो गया है, ये पूछा जाता है तो याद रखिएगा नया नाम हो गया मेजर ध्यानचंद्र खेल रत्न पुरस्कार। ठीक है, नया नाम हो गया, ये आप याद रखिएगा। और बात कर लेते हैं इसमें कौन कितने रुपए, कब से शुरुआत हुआ था ये, 1991 से इसकी शुरुआत हुई थी और 25 लाख रुपए इसमें दिया जाता है, बस इतना इसमें देखना है। और पहली बार किसको मिला था ये ही बता देते हैं, विश्वनाथन आनंद को ये पुरस्कार पहली बार मिला था, याद रखिएगा। ठीक है, फर्स्ट टाइम इन्हीं को मिला है। दो वर्तमान में किसको मिला, करंट अफेयर में आपको हम चर्चा कर देंगे। और बात करते हैं, क्योंकि हम स्टैटिक जीके पे फोकस कर रहे हैं, दूसरी बात करें कौन सा अवार्ड है, अर्जुन अवार्ड है। जो साल में सबसे बेस्ट प्रदर्शन करता है उसको राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार दिया जाता है। अर्जुन अवार्ड की बात करें तो ये क्या है, आखिरी 3 साल में, विगत 3 वर्षों में जो बेस्ट प्रदर्शन करता है, विगत 3 वर्षों में बेहतरीन प्रदर्शन के लिए दिया जाता है, बेहतरीन प्रदर्शन के लिए ये अवार्ड दिया जाता है। इसकी शुरुआत 1961 से हुई थी और पूछे कितने रुपए मिलते हैं, तो 15 लाख रुपए इसमें दिया जाता है। बात समझ में आ गई। आइए तीसरे अवार्ड की बात करते हैं, द्रोणाचार्य पुरस्कार। ये किसको दिया जाता है, तो याद रखिएगा ये कोच को दिया जाता है, जो प्रशिक्षण होते हैं, जो खिलाड़ियों को सिखाते हैं उनको दिया जाता है। शुरुआत 1985 से हुई थी और इसमें कितना रुपए मिलते हैं, 15 लाख रुपए दिया जाता है। अभी भारत रत्न को हम डीप में चर्चा करेंगे, पहले अवार्ड जान ले क्या क्या है क्या नहीं है, बात समझ में आई। तो आइए और कुछ बात करते हैं सेना वाला। जी देखिए, बुलाया जाता है सेना वाला, वीरता के क्षेत्र में पुरस्कार। आइए, तो वीरता के क्षेत्र में पुरस्कार 2 समय में दिया जाता है। एक कब दिया जाता है, एक युद्ध काल में कोई प्रॉब्लम हो तब दिया जाता है, और दूसरा आपका दिया जाता है शांति काल में तब दिया जाता है। युद्ध काल में अगर पूछे सबसे बड़ा कौन से है, तो याद रखिएगा सबसे बड़ा है परमवीर चक्र सबसे बड़ा है। दूसरे नंबर पे कौन है, महावीर चक्र। तीसरे नंबर पे कौन बड़ा है, वीर चक्र आपको याद रखना है। और अगर आपसे बात करें शांति काल में सबसे बड़ा कौन है, तो शांति काल में सबसे बड़ा है, याद रखिएगा, अशोक चक्र सबसे बड़ा है। दूसरे नंबर पे आपसे पूछ ले तो याद रखिएगा यह है कीर्ति चक्र। और यहाँ पे अगर हम बात करें तीसरे नंबर पे तो सौर चक्र, ये आप इतना याद रखिएगा। बात समझ में आ गया। आइए हम थोड़ा थोड़ा इस सभी के बारे में पढ़ लेते हैं जो पेट के एग्जाम के लिए जरूरी है। तो परमवीर चक्र की बात करें तो जो परमवीर चक्र है इसकी शुरुआत कब हुई थी, 26 जनवरी
1950 को इसकी शुरुआत हुई। बात समझ में आ गया। और बात कर लें इसके बारे में, ये वीरता का सर्वोच्च पुरस्कार है, बताई दे लिए। वीरता का सर्वोच्च, अगर आपको कभी ये दे दे कि वीरता के क्षेत्र में कौन सर्वोच्च है, ये भी वीरता का है, ये भी वीरता का है, लेकिन उसमें भी बड़ा कौन है, परमवीर है। क्लियर। और देखा कहो, पहली बार के मिलन रहा, फर्स्ट टाइम किसको मिला था, मेजर सोमनाथ शर्मा को, मेजर सोमनाथ शर्मा को मिला था मरणोपरांत। ये बातें भी आपको याद रखनी है, फर्स्ट बार इन्हीं को मिला था। बात क्लियर है। और अगर आपसे पूछ ले, आपको पता होगा कि 26 जुलाई 1999 में कारगिल का युद्ध लड़ा गया था, कारगिल, उसमें भी लोगों को दिया गया है। कारगिल के युद्ध में किसको किसको मिला था, तो ये याद रखिएगा, चार लोगों को मिला था। कौन कौन से नाम है पूछ लिया जाएगा, ब्रिगेडियर योगेंद्र यादव ये है। दूसरा आप इनको जीवित थे, ये मिला था तब जीवित होने पे, जीवित थे, ठीक है। दूसरा बात कर लेते हैं, राइफलमैन संजय कुमार ये भी जीवित हैं। तीसरा बात कर लेते हैं, लेफ्टिनेंट मनोज कुमार पांडे को मिला है, ये मरणोपरांत मिले हैं। चौथा बात कर लेते हैं, कैप्टन विक्रम बत्रा, इनके ऊपर एक मूवी बनी है शेरशाह, आपको पता होगा, विक्रम बत्रा, इनको भी मरणोपरांत मिला है। तो ये चार लोगों को मिला था, ये बातें भी आपको क्या करनी है, याद रखनी है। आइए और आगे चर्चा कर लेते हैं, महावीर चक्र की बात कर लेते हैं। तो ये पहले किसको मिला है पूछ लिया जाए, फर्स्ट बार किसे मिला है, तो याद रखिएगा ब्रिगेडियर राजेंद्र सिंह को ये फर्स्ट बार मिला है। ये 2021 में मिला है किनको, याद रखना, अभी जो पाकिस्तान से आए थे, नाम है अभिनंदन वर्धमान को मिला है। तो जो कुछ फैक्टुअल बातें हैं वो आपको हम बता दे रहे हैं। बात समझ में आ गया। ये इतने अवार्ड आपके लिए, पेट के लिए इंपॉर्टेंट है, क्लियर है। अशोक चक्र की लाव लगे हथियार निपटाली हो, अशोक चक्र के बारे में जान ला। इसकी शुरुआत कब हुई थी, 1952 में, और जब इसकी शुरुआत हुई थी इसका नाम था अशोक चक्र वन था, क्लियर भाई। और लेकिन 1967 से नाम हो गया, 1967 से पूछ ले, नोट बना लिया ढंग का, 1967 से का नाम भाई लहा अशोक चक्र हो गया, क्लियर। अगर आपसे पूछा जाए पहली बार किसे मिला था, फर्स्ट बार किसे मिला है, तो याद रखिएगा नर बहादुर थापा को फर्स्ट टाइम 1952 में मिला था। दूसरे और उन्हीं उसी समय मिला था बचित्तर पाल को, और तीसरा आपको याद रखना है उसी समय मिला था सुहास विश्वास को मिला था। ये लाइन आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो जाती है। तीन लोग को, एक 1952 में मिला था, पहली बार किस महिला को मिला, फर्स्ट महिला कौन सी पाई थी, ये याद रखिएगा, शांति काल में निर्जा भनोट को मिला रहा, ठीक है, ये फर्स्ट महिला को पाई थी। बात समझ में आया। और अभी 2021 में किसे मिला है, एसआई बाबूराम को 2021 में मिला है, ये लाइन आप याद रखिएगा। बात समझ में आ गया। आइए कीर्ति चक्र को भी लगे हाथ निपटाई ली, तो इसका नाम शुरू में क्या था, अशोक चक्र 2 था इसका नाम, ठीक है। 1967 से इसका क्या नाम हो गया, कीर्ति चक्र हो गया। बात समझ में आ गई। ये बस इसके बारे में इतना पॉइंट आपको ध्यान रखना, और कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं है। सौर चक्र की बात कर लेते हैं, तो इसका नाम था अशोक चक्र 3, और इसका अशोक चक्र 3 नाम था, लेकिन 1967 से यहू का नाम बदल गया, का नाम हो गया सौर चक्र रहा। बात समझ में आ गया। और पूछ ले 2021 में के मिलल है भैया ही, तो 2021 में मिला है मेजर विभूति ढौंडियाल को मिला है। चर्चा में ज्यादा थे इसलिए आपको बता दिए, ढौंडियाल को मिला है, ये लाइन आपके लिए इंपॉर्टेंट है। बात समझ में आ गया। तो ये रहा आपका
सारे अवार्ड जो वीरता के क्षेत्र में दिए जाते हैं। अब हम आपसे बात करेंगे कुछ और अवार्डों की। भारत रत्न की लगे हाथ निपटा लें ही, पूरा कंप्लीट कर दें, क्योंकि यहाँ से ज़्यादा क्वेश्चन आने की उम्मीद प्रबल होती है। आवा भारत रत्न के का कैल जाए हो निपटा लिखल जाए, ठीक बा। तो भारत रत्न की बात करें, अगर हम भारत रत्न, ये सबसे बड़ा अवार्ड है, नागरिक अवार्ड है। भारत रत्न की बात करें तो शुरुआत हुई थी 2 जनवरी 1954 को, 2 जनवरी 1954 को इसकी क्या हुई थी, शुरुआत हुई थी। ये सम्मान है, का है, सम्मान है, यही नाते नो प्राइस मनी, कौनो रुपया उपया में ना मिलत, क्लियर है। और देखा हो, एक वर्ष में 3 लोगों को दिया जाता है मैक्सिमम, लेकिन एक ठीक अपवाद, एक साल आ गया उन्हें 4 लोग मिलल बढ़ावत है, ठीक बा। याद रखिएगा, कौन देता है, राष्ट्रपति देता है, किसकी सिफारिश पर देता है पूछ ले तो यो बताई दिया, प्रधानमंत्री की सिफारिश पर देला, ठीक बे। और सुना, किस किस क्षेत्र में दिया जाता है, तो पहले जब स्थापना भेला तो कला के क्षेत्र में दी जाए, साहित्य के क्षेत्र में दी जाए, समाज सेवा के क्षेत्र में दी जाए, लेकिन 2011 से कही गए जे मनई कौनो नीक काम करी वह क्षेत्र में दई उठी, क्लियर है, ये बातें याद रखिएगा। ये पॉइंट आपको भी बताना है, अब तक कुल कै जन की मिलल बा, 48 जन को नोबेल मिल चुका है, 48 लोगों को लोग प्राप्त कर चुके हैं, ये याद रखिएगा, ठीक है। इस 48 में 5 ठीक महिला बाटी, 5 महिला है, और का हो 14 ठीक को मरणोपरांत मिला है, मरणोपरांत। अब एक एक करके चर्चा कर, परेशान न रहिए, 14 को मरणोपरांत मिला है। फर्स्ट मरणोपरांत किसे मिला है पूछ ले, लाल बहादुर शास्त्री को। पहला मरणोपरांत किसे मिला है, लाल बहादुर शास्त्री को। 1955 से मरणोपरांत की सेवा शुरू हुई थी और 1966 में इनको पहली बार मरणोपरांत दिया गया था। 5 महिला कौन कौन है, तो इंदिरा गांधी है पहली बार, इंदिरा गांधी 1971 में पाई थी। दूसरा बात कर लेते हैं, मदर टेरेसा, मदर टेरेसा ये 1980 में पाई थी। तीसरी बात कर लेते हैं, अरुणा आसफ अली, अरुणा आसफ अली ये पाई थी 1997 में। चौथा अगर आपसे बात करें, यस यस सुब्बू लक्ष्मी ये पाई थी 1998 में। और पचवा याद रखिएगा, लता मंगेशकर साहब, लता मंगेशकर पाई थी, जिन्हें भारत कोकिला कहते हैं, स्वर कोकिला सॉरी, लता मंगेशकर ये 2001 में पाई थी। ये 5 महिला आपके सामने हैं, क्लियर हो गया। और इसमें क्या मिलता है, एक प्रशस्ति पत्र मिलता है, एक प्रशस्ति पत्र मिलता है, एक कागज मिलता है, और एक भारत रत्न जो मिलेगा ये ऐसा ऐसा रहेगा, पीपल के पत्ते कम सा, पीपल का पत्ता, इसके एक साइड में सत्यमेव जयते लिखा रहता है, सत्यमेव जयते, और दूसरे साइड में भारत रत्न लिखा रहता है। ये किसका बना है पूछ ले, तांबा का बना होता है, यो पूछ ले तो बता ही दिया। एक लंबाई चौड़ाई ऊंचाई पूछ ले, ना ही पूछी लेकिन चला, दहेदा 5.8 लंबा, 4.7 चौड़ा, 3.1 mm, ये सेंटीमीटर, ये सेंटीमीटर, ये mm है मोटाई, ठीक है, चला बता दे ली। ये पे सूर्य अंकित होते हैं, ऊपर सूर्य अंकित होते हैं, नीचे भारत रत्न लिखा लाल, बात याद रखिएगा। और बात करें एक बारे में, तो सबसे पहली बार किसे मिला है, आवा निपटावल जय हो, दुईठी विदेशी की मिलल बा, एठी तो मदर टेरेसा, एठी अब बधाई देते हैं, सॉरी मदर टेरेसा का थे, खान अब्दुल गफ्फार खान को, एठी नेल्सन मंडेला को, आइए चर्चा कर लेते हैं। तो सबसे पहली बार 1954 में कितने लोग को मिला, 3 लोग को, नाम आपको याद रखना है, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, सर्वपल्ली राधाकृष्णन, राधा कृष्णन को मिला है। ये क्या है आपको पता होगा, जो सर्वपल्ली राधाकृष्णन है भारत के पहले उपराष्ट्रपति हैं, याद रखिएगा। और आगे बात करें, चक्रवर्ती राजगोपालचारी, राजा गोपालचारी ये कौन है, ये याद रखिएगा, ये भारत के पहले और अंतिम गवर्नर जनरल थे, याद रखिएगा। आपको बता रहे जो पॉइंट, वो नोट कर लीजिएगा नोट में, ठीक है। और बात करते हैं सीवी रमना को, सीवी रमन को मिला है
इनको नोबेल भी मिला था, याद रखिएगा 1930 में नोबेल भी पाए थे भौतिकी के क्षेत्र में, ये पॉइंट आपके लिए ज़रूरी था। 1954 में तीन लोग को मिला, फिर 1955 में आ जाते हैं, तीन लोग यहाँ भी पाए थे, जवाहरलाल नेहरू को मिला है, जवाहरलाल नेहरू को मिला है, ये भारत के पहले प्रधानमंत्री, सबसे लंबे कार्यकाल के प्रधानमंत्री थे। और दूसरे लोग को मिला है डॉक्टर एम विश्वेश्वरैया, विश्वेश्वरैया को मिला है, ये भी आप याद रखिएगा। और एक आदमी और भगवान दास को मिला है, भगवान दास को मिला है 1955 में। क्लियर हो गया, आइए और आगे बात करते हैं। 1955 के बाद 1956 में नहीं दिया गया था, 1956 में अवार्ड नहीं दिया गया। और बात करते हैं 1957 में किसे मिला, तो एक लोगों को मिला था गोविंद बल्लभ पंत को, गोविंद बल्लभ पंत। पूछ ले गोविंद बल्लभ पंत कौन थे, तो ये उत्तर प्रदेश के पहले सीएम थे, ठीक है। और बात कर लेते हैं 1957 हो गया, 58 में, 1958 में किसको मिला है डॉक्टर ढोंडो केशव, डॉक्टर ढोंडो केशव कर्वे को, डॉक्टर ढोंडो केशव सर्वो के, 100 साल के थे ये, 100 वर्ष के थे ये, सबसे उम्र दराज ये थे, सबसे उम्र दराज आदमी का नाम बताइए, व्यक्ति का नाम बताइए जो भारत रत्न पाए हैं, तो डॉक्टर ढोंडो केशव शर्मे बता दे, शर्मा कर्वे बता दीजिएगा। 1958 के बाद 1961 में दिया गया, किसको दिया गया, डॉक्टर विधान चंद्र राय को दिया गया है, विधान चंद्र राय जो पश्चिम बंगाल के सीएम थे, विधान चंद्र राय। और किनको मिला है, पुरुषोत्तम दास टंडन को, पुरुषोत्तम दास टंडन को मिला है, टंडन को मिला है, ये भी आपको याद रखना है। आइए और बात कर लेते हैं, अगले पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। 1962 में किसे मिला है, तो 1962 में किसे मिला है ये देख लीजिए, तो 1962 में अकेले डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को, भारत के पहले राष्ट्रपति, इनको मिला है, ठीक है। 1962 के बाद 1963 की बात करें तो डॉक्टर जाकिर हुसैन को मिला है, डॉक्टर जाकिर हुसैन को मिला है। और एक लोग को और बता देते हैं जिनका नाम था पांडुरंग, हाँ जी पांडुरंग वामन केन को, पांडुरंग वामन को मिला है, पांडुरंग वामन को मिला है, ये बातें भी आपको याद रखना। 1963 हो गया, 1966 की लगे हाथ बात करें, लाल बहादुर शास्त्री को अकेले मिला था, लाल बहादुर शास्त्री को पहली बार मरणोपरांत दिया गया, फर्स्ट बार मरणोपरांत, याद रखिएगा मरणोपरांत इंपॉर्टेंट पॉइंट आपके लिए एग्जाम के लिए बन जाता है। 66 के बाद 1971 की लगे हाथ चर्चा करें, इंदिरा गांधी को मिला था, इंदिरा गांधी को भी मिल चुका है, याद रखिएगा। 1971 के बाद चार साल पाँच साल गैप होता है यार, कितना 75-76, हाँ 76 में मिला था के कामराज को, के कामराज को मिला था, इनको भी क्या मिला है, मरणोपरांत मिला है। एग्जाम में क्वेश्चन बन जाता है किनको मरणोपरांत नहीं मिला, तीन नाम दे देगा और एक नाम अलग से दे देगा, क्लियर है। और बात करें के कामराज के बाद 1976 के बाद, 1976 के बाद कब आया था, हाँ चार साल बाद 1980, मदर टेरेसा, मदर टेरेसा को मिला था, याद रखिएगा। और इनको 1979 में क्या मिला था, नोबेल भी मिला था, ये भी आपके दिमाग में छप जाना चाहिए। 1980 के बाद 1900 के कब दिया गया, 80 के बाद 83 में, हाँ जी विनोबा भावे, विनोबा भावे को दिया गया था, याद रखिएगा। और ये थे 1958 में भी क्या पाए थे, रमन मैग्सेसे पुरस्कार पाए थे, अभी अगर चर्चा हम करें, ठीक है। 1983 के बाद जहां भारत विश्व कप जीता था, 1987 की बात करें तो खान अब्दुल गफ्फार खान, खान अब्दुल प्रथम विदेशी, खान अब्दुल गफ्फार खान, खान अब्दुल गफ्फार खान जिन्हें सीमांत गांधी भी कहा जाता है, ये लाल कुर्ती आंदोलन से इन्हीं का संबंध है, सीमांत गांधी, फ्रंटियर गांधी या सरहिंद गांधी कुछ भी बोलो यही है, पाकिस्तान गांधी कुछ भी बोलो यही, खान अब्दुल गफ्फार खान को मिला था। ये गैर पहले गैर भारतीय हैं, गैर भारतीय हैं, पहले गैर भारतीय हैं जिन्हें मिला है, ये बातें आपको याद रखना है। और बात करें 1987 के बाद 1988, एक इनको मिला है एमजी रामचंद्रन को मिला है, एमजी रामचंद्रन को मिला है, ये बातें आपको याद रखना है। 1988 के बाद 1990 पे आ जाते हैं, 1990 मोस्ट इंपॉर्टेंट, डॉक्टर बीआर अम्बेडकर, भीमराव अम्बेडकर को मिला है, भीमराव अम्बेडकर को मिला है, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। और साथ में के पाया रहा, नेल्सन मंडेला, विदेशी नेल्सन मंडेला, ये दक्षिण अफ्रीका के क्या रहे हैं, याद रखिएगा प्रधानमंत्री रह चुके हैं, ये दक्षिण अफ्रीका के गांधी भी कहलाते हैं, कौन, नेल्सन मंडेला, इंपॉर्टेंट लाइन बन जाती है। 1990 में इन दोनों लोगों को मिला था, बात समझ में आया। और बात कर लेते हैं 90 के बाद, आइए आगे 91,
90 के आगे बात करें, 91 में किनको किनको मिला, तो 1991 में तीन लोगों को मिला है। एक तो राजीव गांधी को मिला, राजीव गांधी को मिला है, मरणोपरांत मिला है, ये भी आपके लिए इम्पोर्टेंट बन जाता है। और किनको मिला है, सरदार वल्लभ भाई पटेल को, सरदार वल्लभ भाई पटेल, स्टैचू ऑफ यूनिटी बनी है गुजरात में, वल्लभ भाई पटेल नर्मदा नदी किनारे, वल्लभ भाई पटेल को मिला है, याद रखिएगा, इनको भी मिला है, मरणोपरांत मिला है। और कौन है ए मोरारजी, हाँ मोरारजी देसाई, मोरारजी देसाई को मिला है, मोरार जी देसाई पहले गैर कांग्रेसी ये प्रधानमंत्री थे, मोरारजी देसाई, इनको भी क्या मिला है, नहीं मरणोपरांत नहीं, बस इतना आपको यहां से याद रखना है। 1991 के बाद बात करेंगे 1992 में, आइए अबुल कलाम आजाद को मिला है, अबुल कलाम आजाद को मिला है, आजाद को मिला है, मरणोपरांत मिला है, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट बन जाता है। और बात कर लेते हैं जे आर डी टाटा को मिला है, एयर इंडिया के जो चेयरमैन हैं पहले थे, संस्थापक जो हैं, ए जे आर डी टाटा को मिला था। और एक लोग को मिला था सत्यजीत रे, हाँ सत्यजीत रे फिल्म जगत के स्टार हैं ये, सत्यजीत रे इनको मिला है, बात समझ में आ गया। 1992 के बाद बात करेंगे 1998 में, 1998 में एस सी एस सुब्बू लक्ष्मी को मिला है, संगीत के क्षेत्र में पहली बार इनको मिला था, संगीत के क्षेत्र में पहली बार इनको मिला है, एस सी एस सुब्बू लक्ष्मी को मिला है। और बात करें इन्हीं इसी समय चिदंबरम सुब्रमण्यम को भी मिला है, चिदंबरम सुब्रमण्यम को मिला है, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट वाइन बन जाता है। देखा 97 भुलाई गई लग गया था, 97 का लिखला हो। 1997 में ए पी जे अब्दुल कलाम को मिला है, जो भारत के राष्ट्रपति मिसाइल मैन कहलाते हैं, अब्दुल कलाम को मिला है, ये लाइन आपके लिए इंपॉर्टेंट बन जाती है। मिसाइल मैन भारत के हैं, इनकी किताब का नाम, दो किताब का नाम आप कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। और बात करें किनको मिला है, अरुणा आसफ अली, महिला है, अरुणा आसफ अली को मिला है, याद रखिएगा। और इनको कब मिला है, मरणोपरांत मिला है, मरणोपरांत मिला है, ये लाइन 1997 के लिए आपके लिए इंपॉर्टेंट बन जाती है। आइए और आगे बात करते हैं जिनको ये अवार्ड मिल चुका है, तो 98 तक हम पहुंच चुके हैं, 1999 की चर्चा करते हैं। जयप्रकाश नारायण को मिला है, जयप्रकाश नारायण को मिला है, जयप्रकाश नारायण ये पाए थे मरणोपरांत पाए थे, ठीक है मरणोपरांत। और बात करें जयप्रकाश नारायण के बाद पंडित रविशंकर, पंडित रविशंकर को भी मिला है, ये लाइन आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है। और बात करें प्रोफेसर अमर्त्य सेन, इनको नोबेल पुरस्कार भी अर्थशास्त्र में मिल चुका था, पहले नोबेल पुरस्कार अर्थशास्त्र में भारतीय ही हैं। और बात करते हैं गोपीनाथ बारदोलाई, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, गोपीनाथ बारदोलाई इनको भी मरणोपरांत मिला है, याद रखिएगा। तो ये देखिएगा 1999 में चार लोग को, अपवाद यही है बस और कोई नहीं। 2001 की बात करते हैं तो 2001 में लता मंगेशकर को मिला है, लता मंगेशकर को मिला है। और 2001 में ही उस्ताद जो शहनाई वादक हैं बहुत प्रसिद्ध, बिस्मिल्लाह खान को मिला है, उस्ताद बिस्मिल्लाह खान को मिला है, ये शहनाई वादक हैं, पूछा जाता है बहुत बार, इनको मिल चुका है। आइए 2001 के बाद बात करेंगे 2009 में, 2009 में किसे मिला है, मात्र एक लोगों को, नाम है भीमसेन जोशी को मिला है, जो गायक हो चुके हैं, ठीक है। 2009 के बाद 2014 की लगे हाथ चर्चा करें तो सचिन तेंदुलकर को मिला था, सचिन तेंदुलकर को मिल चुका है, प्लेइंग इट माय वे सचिन तेंदुलकर को मिला है। और ये क्या है, ये प्रथम खिलाड़ी हैं जिनको मिला है, और सबसे कम उम्र के ये खिलाड़ी थे जिनको मिला है। और कितने साल के थे उस समय, 40 वर्ष के थे, कभी पूछ ले तो बता दीजिएगा। 2014 के बाद 2014 में एक लोग और मिला है, सी एन आर राव को मिला है, याद रखिएगा, सी एन राव को मिला है, ये वैज्ञानिक है। 14 के बाद 2015 की बात कर लेते हैं, 2015 में अटल बिहारी वाजपेयी को मिला है, भारत के तीन बार प्रधानमंत्री रह चुके हैं। अटल बिहारी वाजपेयी के बाद बात कर ले मदन मोहन मालवीय, ट्रिपल एम, मदन मोहन मालवीय को मिला है, मरणोपरांत मिला है। ये मदन मोहन मालवीय यूनिवर्सिटी कहाँ पे है, गोरखपुर उत्तर प्रदेश में है, पूछे तो बता दीजिएगा। और 2019 की बात कर लेते हैं, 2019 की बात करें तो इसमें तीन लोग को मिला है, एक नाम आपको बता देते हैं, प्रणव मुखर्जी,
प्रणव मुखर्जी को मिला है। और बात कर लेते हैं, भूपेन हजारिका को मिला है, भूपेन हजारिका को मिला है, जो गायक हैं असम के, भूपेन हजारिका ये मरणोपरांत मिला है। और एक लोग और मिला है, नानाजी देशमुख, इनको भी मरणोपरांत मिला है। नानाजी देशमुख समाज सेवा के लिए, नानाजी देशमुख मरणोपरांत मिला है, इनको समाज सेवा के लिए मिला है। तो ये रहा हमारा भारत रत्न के बारे में संबंधित टोटल जानकारी, इससे बाहर आपके एग्जाम में नहीं आने वाले हैं। आइए कुछ और अवार्ड हैं जो आपके एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं, कौन से क्षेत्र में क्या दिया जाता है, आइए निपटाई लेती आवा। तो बात करें सबसे पहले साहित्य के क्षेत्र में कौन कौन सा अवार्ड दिया जाता है, तो पहला अवार्ड याद रखना है ज्ञानपीठ पुरस्कार। ज्ञानपीठ पुरस्कार की स्थापना 1965 में हुई थी, इस साहित्य के क्षेत्र में। दूसरा बात करें सरस्वती सम्मान, करंट पे मत जाइए, करंट आपको करंट में पढ़ा देंगे टोटल अवार्ड के बारे में। सम्मान ये कब शुरुआत हुआ था, 1991 में। तीसरा अवार्ड की बात करें सरस्वती सम्मान के बाद, हाँ व्यास सम्मान, व्यास सम्मान की बात करें ये भी कब शुरुआत था, 1991 में। चौथे आपकी बात करें वाचस्पति सम्मान, हाँ जी संस्कृत से संबंधित है, ये 1992 में शुरुआत था संस्कृत साहित्य से, संस्कृत का अवार्ड है। और बात करते हैं पचवा, तो याद रखिएगा एक और है रैमन मैग्सेसे पुरस्कार, सेसे पुरस्कार, ये 1958 में साहित्य के क्षेत्र में, संचार के क्षेत्र में, सरकारी सेवा के क्षेत्र में ऐसे अवार्ड दिया जाता है। और बात कर लेते हैं चिकित्सा के क्षेत्र में, ऐसे नॉर्मल अवार्ड बात करते हैं, अन्य महत्वपूर्ण अवार्ड की बात कर लेते हैं। अन्य महत्वपूर्ण अवार्ड पूछ लेता है किस क्षेत्र में दिया जाता है, बस इतना ज़्यादा है ये स्टैटिक जीके के लिए। और बात करें सबसे पहले धनवंतरी पुरस्कार, तो धनवंतरी पुरस्कार 1971 में किस क्षेत्र में, धनवंतरी का मतलब चिकित्सा के क्षेत्र में दिया जाता है। और बात करें ग्रेमी अवार्ड की स्थापना 1958 में संगीत के क्षेत्र में, कौन से क्षेत्र में, संगीत के क्षेत्र में। और बोरलाग, हाँ देखा बोरलाग, नॉर्मल बोरलाग याद है ना, 1973 में स्थापित हुई थी, कृषि के क्षेत्र में दिया जाता है। और शांति स्वरूप भटनागर अवार्ड जो बीएड में आ चुका है, भटनागर अवार्ड ये विज्ञान के क्षेत्र में दिया जाता है, स्थापना 1900 कब हुई थी, 57 में। और कलिंग पुरस्कार देखा, हाँ कलिंग पुरस्कार विज्ञान के क्षेत्र में दिया जाता है और इसकी स्थापना 1952 में हुई थी। और एक पुरस्कार है पुलित्जर पुरस्कार, इसकी स्थापना 1917 में हुई थी और ये किस क्षेत्र में दिया जाता है, पत्रकारिता के क्षेत्र में दिया जाता है पुलित्जर पुरस्कार। एक पॉइंट और बीसी राय पुरस्कार, ये इंपॉर्टेंट है, पूछा गया बीसी राय पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है, चिकित्सा के क्षेत्र में दिया जाता है, इंपॉर्टेंट लाइन बन जाती है। और बात करें सत्यजीत रे पुरस्कार, फिल्म के क्षेत्र में, नाम से पता चला अभी बोल ली है, फिल्म के क्षेत्र में दिया जाता है। और बोले रानी लक्ष्मी बाई पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है, तो याद रखिएगा ये दिया जाता है खेल के क्षेत्र में। और एक पुरस्कार और बात करें गौरी लंकेश पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है, पत्रकारिता के क्षेत्र में दिया जाता है। और बात करें एबल पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है, गणित के क्षेत्र में। ये आपसे संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट पुरस्कार के बारे में बताए हैं। और अगर ये वीडियो पसंद आए प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू, धन्यवाद दोस्तों।